हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज सीरीज का ये पार्ट नंबर 24 है। जिन लोगों ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपका, यदि साइन इनवर्स एक्स बाई फाइव प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू पाई बाई टू, तो एक्स का मान होगा। एक्स का मान पूछ रहा है, यानी ये जो एक्स है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ये ऑप्शन है आपके सामने। आप एक चीज याद रखो कि जब भी साइन इनवर्स दिख जाए, तो साइन इनवर्स किसके साथ अच्छा लगता है? कॉस इनवर्स के साथ। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलके क्या बनाते हैं? पाई बाई टू। क्या बनाते हैं? पाई बाई टू, ठीक है। तो क्या करो, देखो ये तो साइन इनवर्स है ही है, ये साइन इनवर्स एक्स बाई फाइव, ये साइन नहीं है या कॉस नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसको देखो बदल लो, पहले तो इसको साइन में चेंज कर लो। तो साइन इनवर्स ये पलट जाएंगे ऊपर, 4/5 हो जाएगा। अब इसको इसको क्या कर लो, कॉस में चेंज कर लो। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² का कॉस में चेंज हो जाएगा। या फिर आप जानते हो ये 5, 4 तो 3 ट्रिपलेट होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/5, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये साइन इनवर्स एक्स बाई फाइव। अब देखो, ये देखो इक्वल में क्या था, पाई बाई टू। इक्वल में क्या था? पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू कब होता है? जब ये दोनों एक्स बराबर हो। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों x बराबर होंगे, ये दोनों वैल्यू, तभी पाई बाई टू होगा। तो नीचे तो 5 है, तो ऊपर x का मान क्या हो जाएगा? 3। x जो क्या होना चाहिए? 3। x बराबर 3, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया। इंटीग्रेशन 1/x x^4 - 1 dx किसके बराबर? आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो, आप अगर इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको 1 से 2 मिनट तो पक्का लगने वाला, अगर बेसिक करते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो मेरी देख रखी है तो उसमें मैंने साफ साफ बताया कि अगर इस टाइप से फंक्शन मिल जाए कि 1/x x^n - 1 और dx, इसका इंटीग्रेशन करने को मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो पावर एन है इसको लिखोगे 1/n, लॉग लगाओगे, यही वाला टर्म ऊपर लिख दोगे x^n - 1, और अपॉन में ये जो आगे x प्लस सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। तो देखो, अब एन की जगह यहाँ कुछ भी दे सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 1000 कुछ भी देगा, तो वही एन का काम करेगा। यहाँ पे एन की जगह 4 किया है, कितना दिया है? 4। तो ये हो जाएगा आंसर 1/4 log, यही वाला टर्म ऊपर लिख दो, x^4 - 1 अपॉन एक्स और प्लस सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर टिक करके आओ सीधे डायरेक्ट। ये तो लिख के समझाया है आपको, अगर यहाँ देखना आता तो आंसर मैच करोगे अगर ये पता है तो, ठीक है। तो देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/4, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। 1 + sin a / 1 - sin a - 1 - sin a / 1 + sin a किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें से किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन दिए गए आपको बताना है। तो देखो एक चीज समझ लो, इसमें मैंने बताया था कि वैल्यू पुटिंग करके करो, लेकिन वैल्यू पुटिंग करना कहाँ पे, अगर आपने पूरा प्रोसेस सीखा है तो कहाँ वैल्यू पुटिंग करना आसान होता है, वो भी चीज मैंने बताई है। तो देखो यहाँ पे अगर एक ही जगह आप कुछ कोई मान रखोगे तो यहाँ यहाँ भी रखना होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चार जगह रखना होगा, फिर जो आंसर आएगा मान लो यहाँ रख के सॉल्व भी कर ली, तो फिर ऑप्शन में रख के चेक करो तो उससे ज्यादा टाइम लग जाए। कभी कभी कुछ सवाल बेसिक से ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग बेसिक से। एलसीएम ले लो, a - b a+b, a² - b² इस पे स्क्वायर लगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - sin² क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a² + b² और +2ab, 2ab तो 2 sin a। ओके, माइनस यहाँ पे इसका गुणा होगा तो ये a - b का स्क्वायर बनेगा, तो a² + b² और माइनस का 2ab तो 2 sin a, ठीक है। अब देखो ये 1 इससे कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 sin a, 2 sin a, 4 sin a कितना हो जाएगा? 4 sin a अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो देखो 4 तो भैया इधर साइड में डालो, 1 अपॉन cos मिलके हो जाएगा sec a, और sin अपॉन cos मिलके क्या हो जाएगा? tan a। तो 4 sec a tan a कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया हो। कभी कभी कुछ सवाल बेसिक से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि a + b + c बराबर 0, मॉड ए का मान 6 है, मॉड बी बराबर 8 है, तथा मॉड सी का मान 10 हो, तो a.b, b.c, c.a का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर a + b + c का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग तो क्या आता है, ये मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर +2a.b + b.c + c.a। ये तो सबको याद होगा, फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। अब देखो इसका मान आपको दिया गया 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा। मॉड ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर,
मॉड सी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये ऐसा ही लिख देंगे ठीक है। इन सबको इधर लाएंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए मिल जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 36 64 100 और 100 200, तो इधर आके माइनस का 200 हो जाएगा और अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का 100, क्या हो जाएगा माइनस 100। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है रेखाएं 3x-2y-3 और 9x-xy+1 बराबर 0 के बीच की दूरी पूछ रहा है ठीक है, तो बीच की दूरी बतानी। तो देखो आप जानते हो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डी बराबर क्या होता है डिस्टेंस बराबर c1-c2 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। क्या ये समांतर है? नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स का गुणांक 3 है, यहाँ एक्स का गुणांक 9 है, यहाँ वाई का गुणांक 2 है, 9 मतलब y का गुणांक 6 है, तो गुणांक बराबर होंगे तभी समांतर होंगे, तो गुणांक बराबर कर लो। यहाँ देखो y का गुणांक कितना है 6, y का कितना है 2, तो अगर इसमें 3 से गुणा करा दें तो यहाँ देखो 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, दोनों गुणांक सेम हो जाएंगे तो आप दूरी निकाल सकते हो। तो इसमें गुणा कराओ तो हो जाएगी 9x-6y और -9=0। अब यहाँ पे देखो ये है आपका 9x-6y और +1=0 ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाले तो डी बराबर क्या हो जाएगा c1-c2, तो देखो c1 क्या है -9 और c2 क्या है +1, तो -9 से ये वाला घटाओ तो -10 हो जाएगा, -10 और ये मॉड है अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है 9, 9 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा 6, 6 का स्क्वायर। अब देखो मॉड की वजह से ये प्लस का हो जाएगा 10, अब 10 ऊपर देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यहीं से आप टिक कर सकते हो, बाकी सॉल्व कर लो, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, तो 117 रूट में ठीक है, 10/10√117 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 10 भुजा वाले बेकड़ों की संख्या बताइए, आपको कितनी साइड दी गई 10, डायगोनल की संख्या पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही डायरेक्ट, अगर भुजाएं वो बिकड़ों की संख्या निकाली तो एन एन माइनस 3/2 यही तो होता है। तो आपको भुजाएं कितनी दी गई एन, एन का मान 10 दिया गया, तो यहाँ पर रखोगे 10 और 10-3 × 7 हो जाएगा बटे 2, 2 से काटोगे तो ये 5 और 5 × 7 कराओगे तो 5 × 7 = 35, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो इस बार क्या कहता है, कभी कभी बिकड़ देके भुजा पूछ लेता है तो इसके बराबर बिकड़ रख देंगे, कभी कभी भुजा देके आपसे क्या पूछ लेता है बिकड़ ठीक है, तो ये बिकड़ हो गए आपके, बिकड़ों की संख्या कितनी होगी 35, तो इसी फॉर्मूले से दोनों चीज निकाल लेते, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए ठीक। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका बिंदु -2,0 तथा 4,0 से होकर जाने वाले तथा त्रिज्या 5 वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, तो देखो इसका तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो पॉइंट कितने हैं, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, जितने बिंदु होते हैं उतने ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने वृत्त खींचे जाएंगे यहाँ पे 2, क्योंकि 2 पॉइंट है ठीक है, ये सब बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, बिंदु देखने कितने बिंदु है उतने ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ठीक है। उम्मीद है ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही होगा। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दीर्घवृत्त 5x² + 9y² = 45 के नाभिलंब की लंबाई, आपसे कह रहा है इलिप्स की इक्वेशन दी है, इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ रहा है ठीक है, तो आपसे लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे शॉर्टकट ध्यान समझ लेना, आपको क्या करना है यहाँ पे देखना है छोटी वैल्यू कौन सी, यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी 5, इसका डबल कर दो तो 2 × 5, छोटी वैल्यू का डबल करना है, ध्यान रखना क्या करना है छोटी वैल्यू का डबल, और अपॉन में क्या करना है अंडर रूट में बड़ी वैल्यू, अंडर रूट में बड़ी वैल्यू यानी छोटी वैल्यू का डबल और बड़ी वैल्यू का वर्गमूल ठीक, सॉल्व कर लो आंसर हो जाए, तो 5 × 10 और ये इसका 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, 10/3 आपका आंसर हो जाएगा, 10/3 सी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि समीकरण mx² + 6x + 2m-1=0 के मूलों का गुणनफल -1 है तो m का मान क्या होगा, एक समीकरण दी गई है आपको कह रहा है इसके मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है -1, तो m का मान पूछा जाए ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे देखो सी क्या है, सी की वैल्यू 2m-1 है, 2m-1 और इक्वल टू में ए का मान कितना है m, और सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है -1, तो 2m-1/m क्रॉस मल्टीप्लाई तो -m हो जाएगा 2m-1, ये उधर ले जाएंगे तो 3m हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ 3m = क्या हो जाएगा 1, m = क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 1/3 ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का मान क्या दीजिए। यानी देखो ये क्वेश्चन देख के लोग समझ नहीं पाते क्या करना है। यानी इसका ये जो फंक्शन दिया है इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, इसका क्या करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये वाई का मान है आपका लॉग एक्स, ठीक है, बस इतनी सी बात समझ नहीं, बाकी आपको आता ही होगा। एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, अगेन करेंगे इसका तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, जैसे आपको दिया है 1 अपॉन एक्स की पावर है, इसका डी बाई डी एक्स करना है, समझ लो ध्यान से। तो जो पावर नीचे एक्स की दी हो वो ऊपर माइनस में लिख दो माइनस का एन, और नीचे पावर में एक बढ़ा दो एक्स की पावर एन प्लस वन, ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ पावर में कितना, एक, तो एक माइनस में, नीचे एक बढ़ा दो तो एक्स की पावर टू, डायरेक्ट याद रख। जैसे 1 अपॉन एक्स क्यूब का करना है तो -3 अपॉन एक्स की पावर फोर, आप इतनी स्पीड से कर पा रहे हो अगर ये चीज आपको डायरेक्ट पता है, ठीक है। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन देता है उसको वाई मान लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आज के आपको क्वेश्चन 10 समझ में आ गए होंगे। तो अगली सीरीज हम लोग जल्दी ही लेके आ रहे हैं, अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू, जय हिंद।